नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 8 का पार्ट 2, x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5y से। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x माइनस वाई एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, इनटू 3x प्लस 5y। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, x को लेंगे यहां पे कॉपी करेंगे, फिर इनटू x इनटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, ओके, यानी कि 3x प्लस 5y। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म क्या है, माइनस वाई है ना, तो कॉपी कर लो, साइन के साथ कॉपी किया करो, माइनस का वाई, या फिर आप ऐसे सोचो माइनस कॉपी किया और सेकंड टर्म क्या है वाई है, कॉपी किया और इनटू ये सेकंड वाला ब्रैकेट, यानी कि 3x प्लस 5y। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो x इंटू 3x, सो x इंटू 3x, उसके बाद x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस कितना देगा प्लस, यानी कि x इंटू 5y, सो x इंटू 5y। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिए माइनस है, 3x के आगे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि y इंटू 3x, y इंटू 3x, ओके। उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो बच्चों माइनस वाई आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस प्लस माइनस और y इंटू 5y, y इंटू 5y। मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस हो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, 3x पहले पॉजिटिव था, 3x वाले में आगे क्या आएगा माइनस, 5y पहले प्लस था तो 5y वाले मल्टीप्लीकेशन में आगे क्या आएगा माइनस, ओके। नाउ बच्चों x इंटू 3x कितना होगा, x इंटू 3x करो या 3x इंटू x करो, बात क्या है सेम है, तो 3x इंटू x 3x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। सो 3x स्क्वायर हो गया और प्लस 5 इंटू, देखो x इंटू 5y करो या 5y इंटू x करो, बच्चों बात क्या है सेम है, तो 5y इंटू x क्या हो जाएगा 5yx, और yx को आप xy भी लिख सकते हो, तो 5xy आ जाएगा आंसर, सो 5xy आएगा, ओके बच्चों। नाउ माइनस, अब ध्यान दें 3x इंटू y 3xy, ओके, सो 3xy माइनस 5y इंटू y, बच्चों y की पावर 1, y की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड y की पावर 2, सिंपल सा फंडा बच्चों। 5 क्या है नंबर है, कॉपी कर लिया, y इंटू y, y स्क्वायर होता है सभी बच्चों को पता है, ओके। नाउ अब आप ध्यान दें इसमें लाइक टर्म्स क्या है, 5xy और माइनस 3xy, सो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस क्या है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 5 माइनस 3 2xy आएगा, लेकिन साइन लगेगा लार्जर नंबर का बड़े नंबर का, सो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 5 के आगे प्लस है सो प्लस, और फिर यहाँ पर देखो ये दोनों को हमने ऑपरेट कर लिया ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 5 माइनस 3 2xy और माइनस का क्या बच गया 5y स्क्वायर। ये देखिए बच्चों आप अपनी बुक से आंसर मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर, ओके, नोट कर लीजिए।